राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज हरियाणा का दौरा है। आज करनाल पहुंचेंगे राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू और एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करनाल पहुंच रही हैं। एनडीआरआई में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज होने वाला है। हिसार में भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे, वहां भी कार्यक्रम का आयोजन है। कमल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली है राष्ट्रपति और छात्रों को सम्मानित भी इस दौरान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सीएम मनोहर लाल और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। वीआईपी मोमेंट आज करनाल में और हिसार में देखने को मिलेगी। राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे, सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है। वीआईपी मोमेंट आज हरियाणा में, ऐसे लेकर ट्रैफिक को लेकर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। करनाल में एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद हिसार में भी एक दीक्षांत समारोह है उसमें भी जाएंगे। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रपति। दो कार्यक्रम आज हरियाणा में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज हरियाणा के दौरे पर, करनाल में दीक्षांत समारोह एनडीआरआई का 19वां दीक्षांत समारोह, उसके बाद हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन है जिसमें शिरकत करने वाले। तो बड़ी जानकारी हरियाणा के नजरिए से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा आ रही हैं और आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगी। करनाल में एनडीआरआई से 19वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली है, इसमें भाग लेंगी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन है, उसमें राष्ट्रपति पहुंचेंगी। इस दौरान छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह में भी आज शिरकत करने वाली है तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से लेकर कर दिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 19वें दीक्षांत समारोह का आज आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला, कैलाश चौधरी और डॉक्टर संजीव बाल्यान पहुंचेंगे। करीब 10:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीआरआई के सभागार में पहुंचेंगी और उनके साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। 19वां दीक्षांत समारोह है तो 542 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसमें बीटेक, एमटेक और पीएचडी के छात्र छात्राएं हैं। द्रौपदी मुर्मू उन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दे सकती हैं जिन्होंने अपनी डिग्री में बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है, चाहे वो एनडीआरआई का इलाका हो, आईटीआई चौक का इलाका हो या बलड़ी बाईपास और नए बस स्टैंड का इलाका हो, वहां पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और करीब 1.5 से 2 घंटे तक रूट डाइवर्ट रहेगा और भारी संख्या में हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। डीजीपी पीके अग्रवाल खुद उस जगह का मुआयना करके गए हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचना है। इस कार्यक्रम को लेकर चाहे जो एनडीआरआई के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वहां का प्रबंधन है, उनमें काफी उत्सुकता है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनाल पहुंच रही हैं। ये कार्यक्रम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलेगा, उनके आने का इंतजार सभी को है और 19वें दीक्षांत समारोह में आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रही हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो चलिए इसी को लेकर ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। एनडीआरआई में 19वां दीक्षांत समारोह का आयोजन है तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1300 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में अलग अलग स्थानों पर 32 जगह पर नाकाबंदी की गई है। संदिग्ध लोगों पर पुलिस पैनी नजर बनाए रखेगी क्योंकि वीआईपी मोमेंट आज होने वाली है। करनाल में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय होंगे शामिल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल
और कई केंद्रीय मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। राज्य के मंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। एनडीआरआई अपने स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दो पुलिस अधीक्षक, 24 उप पुलिस अधीक्षक और उसके बाद 19 निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि डीजीपी पीके अग्रवाल और एडीजीपी आलोक मित्तल ने पुलिस सुरक्षा का जायजा भी लिया। शहर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। शहर में कुछ स्थानों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद रहेगा। अलग अलग रूटों पर आने जाने वालों को भी अब थोड़ा ध्यान रखना होगा, संभल कर वाहन चलाना होगा। तो ये तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज वीआईपी मोमेंट होने वाला है करनाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और उसके बाद बात कर ली जाए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, वो भी आज हरियाणा करनाल पहुंच रहे हैं और उसके बाद सीएम मनोहर लाल भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे।